आज की यह वीडियो बीए सिक्स सेमेस्टर हिंदी सेकेंड पेपर की महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है यदि आपको जानना है कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन भी हैं और उसके उत्तर भी हैं, मतलब कि आंसर भी है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, ना कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ना कुछ और तैयार करने की आवश्यकता पड़े। आप सही जगह पर आ चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, और ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और यही सारे प्रश्न आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है, बी आपका तृतीय वर्ष यानी कि बी थर्ड ईयर है, सेमेस्टर आपका सिक्स है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और ये हिंदी सेकेंड पेपर है यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृत, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आज किस मतलब कि इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है वो है कि मुहावरे एवं ठीक है लोकोक्तियों को परिभाषित कीजिए। और ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन और बहुत पहले से आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक्स में प्रश्न और टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पे भी पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। पहले मुहावरा के बारे में जानेंगे, फिर लोगों के बारे में जानेंगे। तो मुहावरा हेडिंग डालेंगे अगर उत्तर लिखना होगा कि कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। अब आप चूक समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द या वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। और लोकोक्ति बोलते हैं, लोकोक्तियाँ लोक जो है अनुभव से बनती है। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, ऐसे वाक्य को ही लोकोक्त लोकोक्त कहते हैं। इसे कहावत, जनश्रुति आदि भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्त में अंतर, मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकोक्त संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जैसे कि होश उड़ जाना, मुहावरा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, ये हैं लोग। ठीक है, लोकोक्ति, तो इस प्रकार आप लिखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में डिफरेंस और परिचय। पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के खाल वाद्यों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आता लेकिन बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि ढोल पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में लिखना है कि ढोल पर टिप्पणी कीजिए, वही ढोल जो आप लोग सभी अवसरों पर बजाया जाता है, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, भागवत हो, रामायण हो, ठीक है, या कहीं पर किसी कोई भी प्रोग्राम हो डांस का। ठीक है, तो ढोल या साज अधिकतर नाच के साथ या स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है या अनेक प्रकार के होते हैं। इसकी ध्वनि भी दूर तक जाती है, घोष भी बहुत देर तक गहरा गूंजता रहता है, इसलिए इसे सामूहिक नृत्यों में और शादी विवाह में उपयोग किया जाता है। ढोल का सामाजिक जीवन से बहुत संबंध है, विशेष अवसरों पर इसके दोष को अत्यंत आनंद उठाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि इसके माध्यम से बहुत ही आनंद लिया जाता है और सभी शुभ अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय। और इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है और इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, गूंजते बहुत तेज देर तक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ढोल का चमड़ा बकरी या बकरे का होता है जहाँ पर बजाया जाता है। ढोल को कभी एक हाथ या लकड़ी और कभी दोनों और लकड़ियों से बजाया जाता है। सूत या सन की रस्सी से इसे कसा जाता है। इसकी आवाज़ गंभीर हो जाती है, यह एक मांगलिक वाद्य है, बहुत स्थानों में हर त्यौहार में घर में बजता है, इसलिए ऊंच नीच का प्रश्न नहीं, शादी में भी अक्सर बजता है। ठीक है, इसको मृत संस्कार के समय भी शोक समाप्त करने के लिए बजाते हैं, बारात को विदा करने के लिए बजाते हैं, शुभ अवसरों पर इसका प्रथम बार प्रयोग करने के समय पूजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे आप ढोल के बारे में प्रश्न आए तो। ठीक है, आपके टॉपिक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है कि नौबत पर लिखिए। ठीक है, नौबत पर लिख लिखिए। तो नौबत शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगाड़े होते हैं। ठीक है,
शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगाड़े होते, जो आपने देखा होगा मूवी में किसी फोटो में, एक बड़ा और एक छोटा, बड़ा नर और छोटा मादा, इन दोनों को दो लकड़ियों से बजाया जाता है। इसके बोल भी बहुत विकसित हैं, इनमें तालों को बजाने का विधान है शहनाई के साथ, ठीक है। नौबत का भी खूब विकास हुआ, इन नगाड़ों को फैंस के चमड़े से गढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे नौबत के बारे में बेसिक पर से, बाकी कई बार तो नहीं आ चुका लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद है कि आ सकता है। तारा, सॉरी तार वाद्य भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। तंबूरा, टिप्पणी लिखी, तंबूरा भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। तंबूरा को हम निशान भी कहते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि स्त्री वर्ग के, ठीक है, श्रम गीत बताइए। तो इस स्त्री के श्रम गीत स्त्री वर्ग के मुख्य क्रियाकलाप जो लोक जीवन में प्रचलित है, चक्की, ठीक है, पीसना, चरखा, कतना, ओखली, कूटना, खेती करना, पानी भरना आदि, इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का वर्ण्य विषय मुख्यतः उनकी सामाजिक, पारिवारिक और दैनिक समस्याएं होती हैं। भारत के हर प्रांत में लगभग एक समान ही नारी समाज की समस्याएं होती हैं, उदाहरण के लिए बाल विवाह, अनमोल विवाह, बहु विवाह, ठीक है, ओके, ठीक है, अनमोल विवाह, बहु विवाह, बांध का दुख तथा विवाहित जीवन में पति के अत्याचार, इन गीतों के श्रम के साथ साथ, ठीक है, अपने दुखों को व्यक्त करके एवं कुछ अंशों में अपने के बोझिलपन को कम कर देता है, ठीक है। तो पूरा उत्तर आप लोग एक से दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है, तो पूरा उत्तर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विवाह संस्कार का महत्व बताइए, ठीक है, तो विवाह जो होते हैं इसके संस्कार का महत्व बताइए। तो उत्तर लिखेंगे कि जन्म आदि संस्कारों के पश्चात सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह ही होता है, या आशावाद और उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। इसमें जीवन के नवीन तथा महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते समय की जाने वाली मंगल, ठीक है, कामनाएं व मंगल कार्य सम्मिलित रहते हैं। इस अवसर पर परिवार के सभी निकट व दूर के संबंधी एकत्रित होते हैं। विवाह के अवसर पर विशेष रूप से स्त्रियों के मन विशेष उल्लास रहता है। इसका प्रमाण हमें उनके समय समय पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों में मिलता है जो उन्हीं के द्वारा बनाए व गाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे विवाह के संस्कार के बारे में, आप जितना भी लिख देंगे कम नहीं होगा, बहुत ही टॉपिक बना के लिख देंगे, फिर नंबर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। चंदना किस प्रकार का गीत है, ये बहुत कम आता, आप इसे भी कर सकते हैं। अगला कि पुत्र जन्म से संबंधित विभिन्न संस्कार बताइए, ठीक है। तो मुंडन या बालक के पहले, तीसरे व पांचवें वर्ष में होता है, ठीक है, और जन्म के बाद पहली बार बालक के बाल किसी मंदिर के पास, किसी नदी के पास अथवा किसी क्या लिखा सिद्ध स्थान पर बहुत धूमधाम से कटवाए जाते हैं। मंडन बुआ की गोदी में होता, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ, एक मिनट, जैसे झालर गिरती जाती है वैसे वह, ओ ठीक है, वह उसको आटों में गूंदती जाती है। इसमें बालक के माता पिता रुपया या मुहर रख देख, ठीक है, देखते हैं या फिर रख देखते हैं, या जो है, एक मिनट, हाँ ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आप लोग समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल मिला के आपको इसका उत्तर अच्छे से तैयार कर लेना, पूरा पूरा आंसर अच्छे से दिया गया डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर से जरूर। अगला प्रश्न है कि पुत्र जन्म से संबंधित किन तथ्यों को लोक साहित्य में सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे पुत्र जन्म मनुष्य में संतान की प्रति आकर्षक, स्वाभाविक या मानव संरक्षण का
का शास्त्रीय प्रयोजन है, बालक के जन्म के पूर्व दो संस्कार होते हैं, गर्भाधान और ठीक है ठीक है पुंसवन। गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है, इसके द्वारा माता पिता अच्छी संतत पाने की कामना करते हैं। इस संस्कार के आरंभ में वैदिक मंत्रों के द्वारा ध्वनि करके देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनसे प्रधानता की जाती है कि वे माता के घर में योग्य संतान धारण करा दें। इस संस्कार से माता पिता के मनोविकारों की शुद्धि होती है, ठीक है, और प्रधान रूप से या इन्हें दोनों का संस्कार होता है और उनके द्वारा माता के गर्भ में आने वाले शिशु का संस्कार भी होता है, पर वह अब प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे वैशिक परिचय। ठीक है, और अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि लोक नाटक जनता ठीक है जनार्दन की आकृतिम जीवन शैली के रूप में आपको यथार्थ मूलक प्रतिबिंब है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जन्म संस्कार पर टिप्पणी लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल में यह सिद्धांत प्रचलित था कि जन्म के होते समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, अतः पूर्ण विकसित आर्य होने के लिए उसका संस्कार व परिमार्जन करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है, अतः ये बच्चा गर्भ में आता है उससे कुछ ही महीनों पश्चात से ही कोई ना कोई अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान के 9 महीने तक की संपूर्ण अवधि जन्म संस्कार के अंतर्गत आ जाती है। पुत्र जन्म परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए ही एक विशेष संस्कार होता है। परिवार के लिए तो ये संस्कार उसके जन्म से भी पूर्व की प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम, तो उम्मीद तो है आने के, आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला कि मुहावरे के व्यंजनात्मक लक्षणात्मक अर्थ बताइए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, उत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि लोक गाथाओं में निहित धार्मिक एवं नैतिक पक्ष का बताइए। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखेंगे, लोक गाथाओं में निहित धार्मिक तथा नैतिक पक्ष का ठीक है नैतिक पक्ष का बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये उत्तर पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब उत्तर। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन को अनुशासित करने में लोक साहित्य का महत्व बताइए। तो लोक मानव प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास ठीक है मानता है, इसके प्रति पूज्य भाव रखा परिपूज्य भाव रखता है। हमारे यहाँ जो भी कर्म किया जाता है उसकी परख की कसौटी वर्ग होता है। व्यक्ति कोई कार्य करने से पूर्व उसके विषयों में सोचता है, ठीक है, विषयों में सोचता है कि इसका फल क्या होगा। ठीक है, और इस भय से बुरा काम दूर ही बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा डर नरक का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इन दोनों प्रश्नों का बेसिक परिचय ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि लोक साहित्य में लोक की अभिव्यक्ति होती है, इस अभिव्यक्ति की 3 अवतार दिखाई देते हैं। इनमें से नंबर 1 पे है ठीक है शरीर तोसड़ी, और दूसरी है मन अस्तोसड़ी, और तीसरी है मनोमोदिनी। तो ये 3 है, ध्यान रखेंगे। अगला कि शरीर तोसड़ी अभिव्यक्ति में लोक की व्यवसाय प्रधान भावना को एक ठीक है भावना को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका बेसिक परिचय, जिसमें से 3 के 3 यहाँ पर प्रस्तुत हुई हैं, अस्तर ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है कि लोक रचनाओं के संस्कार के संबंध में अपना मत दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लोक कथाओं की परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जगह पढ़ लीजिएगा। लोक कथाएँ किस प्रकार लोक संस्कृति को परिभाषित करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न है कि लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति हैं, स्पष्ट कीजिए। और उत्तर है कि लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्त है, जीवन में घनिष्ठता से
संबंधित है। लोक साहित्य एक पारिभाषिक शब्द है जो लोक तथा साहित्य से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको इस वीडियो में और इस नोट्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए। मैं आपको भरोसा और गारंटी भी दे रहा हूँ कि इस मॉडल मतलब इस पूरे पूरे पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके उत्तर दिए गए, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगभग लगभग जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में जो आने वाले हैं वो इसी मतलब कि इसी कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार करके जाएं, आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी ठीक है, और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। और ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है हिंदी की बीएससी सेकेंड पेपर की, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन हो जाइए और तोड़ लीजिए, ठीक है, जो आपको बढ़ा लेगी। तो इस प्रकार आप लोग को लिखना होगा जैसे इसमें लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं एग्ज़ाम में। तो बाकी ठीक है, चलिए, नमस्कार, ओके।